तो सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी वैल्यू इतनी ही है। अननेसेसरी हवा का गुब्बारा नहीं बनाना चाहिए कि आप अपनी दुनिया में इतने बड़े हो गए बट आप दूसरों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मिसिंग फाइव के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सिंहासन कर सकते हो, जो आपको थोड़ा ब्रेव बनाए, हिम्मत दे आपको। तीसरी चीज़, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करना चाहिए जो आपको वैलिडेशन दे, आपको स्ट्रांग बनाए, आपको कॉन्फिडेंस दे। अगर मैं 7 दिन में जो चीज़ मैंने सोची है, मेरा कॉन्फिडेंस चाहे किसी भी रीज़न से वीक हो रहा है, मुझे गेन करने के लिए क्या है, एप्रिसिएशन चाहिए। तो एप्रिशिएट मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा खुद को कर सकता हूँ कि अगर मेरे 7 डेज़ के टास्क मैंने पूरे कर लिए तो मेरे में एक गुड फील आएगा, खैर मैं स्ट्रांग तो हूँ, कैपेबल तो हूँ, कर तो सकता हूँ। और ऐसे लोगों को धक्का चाहिए होता है, तो अपने आजू बाजू थोड़े ऐसे लोग रखें जो इनको नॉर्मली पुश कर दे। रियलिस्टिक फ्रेंड्स या वो आपका टीचर हो सकते हैं, आपका कोच हो सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है। मिसिंग फाइव जब होता है तो आपको धक्का चाहिए होता है कि तू ठीक कर रहा है, उसको एक एश्योरेंस चाहिए होती कि इसमें ठीक है, ये चीज़ एड ऑन कर दे, बट तू जितना कर रहा है वो ठीक है, इसके आगे और कर सकते हैं। तो उतनी भी एनर्जी उसको आप दे दोगे मिसिंग फाइव वाले को, शायद वो चीज़ पॉजिटिव माइंड से लीड कर जाएगा। अदरवाइज ऐसे लोग सेल्फ डाउट में आते हैं।